राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर जमशेदपुर के मानगो स्थित जेपी स्कूल में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां तमाम छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा के गौरवपूर्ण इतिहास और उसके महत्व को समझाया गया। बता दें कि भारतवर्ष में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानगो स्थित जेपी स्कूल में स्कूली छात्रों के साथ स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिलकर इसे एक संगोष्ठी के रूप में मनाया, जहां एक तरफ स्कूली छात्रों ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला, वहीं स्कूली शिक्षकों ने हिंदी भाषा के गौरवपूर्ण इतिहास को छात्रों के समक्ष रखा। स्कूल प्रबंधन के सचिव अर्जुन शर्मा ने बताया कि हिंदी भाषा हमारे देश की शान है और देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है। आधुनिक युग में जहां देश के बच्चे व युवा पाश्चात्य भाषाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी रुचि को दोबारा हिंदी भाषा के प्रति बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूली छात्रों के बीच इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जेपी स्कूल की स्थापना 1988 में की गई थी और जब से लगातार हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के कार्यक्रम के लिए हिंदी कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, इस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन विशेष रूप से 14 सितंबर को की जाती है। उसी क्रम में आज 14 सितंबर को विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में एक हिंदी दिवस के अवसर पर गोष्ठी की गई। इस गोष्ठी में ये बताया गया कि हमारे हिंदी क्यों जरूरी है, हम हिंदी को क्यों अधिक से अधिक बढ़ावा दें। इसमें देखा हुआ गया कि पश्चिमी सभ्यताओं को ज़्यादा बढ़ावा दी जा रही है, उस बढ़ावा से हमारे बच्चे हमारे संस्कार दिन प्रतिदिन बीते चला जा रहा है। इसलिए हिंदी भाषा जो है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, इसमें संस्कृत और हिंदी का बिल समावेशित करके लिखा गया और उसे एक नए से नए शब्द निकल के आते हैं जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को उसमें प्रेरणा मिलती है। तो क्यों नहीं हिंदी की भाषा को हम ज़्यादा बढ़ावा दें और हिंदी को लेकर के एक उच्च शिखर पर जाएं। हिंदू हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रतीक है, संस्कार को हमें बढ़ावा मिलता है, इसलिए हिंदी को विशेष बढ़ावा देने के लिए हम शिक्षक शिक्षिकाएँ और बच्चे से मिल करके संकल्प लिए कि हमें हिंदी में प्रतिदिन कम से कम अपनी हिंदी के अवसर पर हिंदी को अपनाएं और हिंदी को अधिक से अधिक लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसलिए हम लोग संकल्प भी आ रही है। हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल की तरह, आज हम इस विद्यालय प्रांगण में हिंदी दिवस को मनाने के लिए सम्मिलित हुए हैं। हिंदी दिवस का आयोजन हर साल 14 सितंबर को होता है, जिस दिन हम भारतवासियों के लिए राज्य भाषा के रूप में हिंदी को चुनने का सम्मान करते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, परंतु हिंदी भारत की सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली है। यह हमारे समृद्ध और विविध देश की एकता का प्रतीक है। हमारी भाषा हिंदी संस्कृति, इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे भाव विचारों को आसानी से प्रकट करने में मदद करती है। धन्यवाद। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।